बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है कीमा भरे करेले। बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ BLI चैनल में। मेरा नाम हिना है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ और मैं किस तरह बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमने 200 ग्राम जो है करेले ले लिए हैं, 200 ग्राम हमने कीमा ले लिया है और गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट हमने 1-1 टीस्पून लिया है। इसमें 1 टीस्पून जो है हरी मिर्च का पेस्ट भी है और इसके अलावा इसमें हमने 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर भी ऐड किया था पीसते हुए, इसको ग्राइंड करते हुए। और इसके अलावा हमने 2 प्याज जिनको हमने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमने जो है ये जो बाज़ार में मिल जाती है कैरी, इसको हमने काट लिया है बारीक बारीक। एक छोटी सी कैरी ली थी उसको हमने आधा जो है काट लिया है। इससे ये होता है कि कीमा थोड़ा सा जल्दी गल जाता है और आसानी हो जाती है। और इसके अलावा हमने 3 जो है टमाटर काट लिए हैं। और हम मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ, 1 टीस्पून मैंने कोरमा मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून हमने जो है इसमें कलौंजी लेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें जो है हल्दी लेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें क्यूमिन सीड लेंगे यानी ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून हम इसमें लेंगे नमक। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को सौते करेंगे। प्याज को सौते करने से पहले जो है हम इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। करेले को सौते करके हम हल्का सा निकाल लेंगे। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है 2 मिनट और इसको हमने निकाल लेना है। उसके बाद हमने प्याज जो है सौते करने हैं और पूरा जो इस तरीके से कीमा बनाते हैं उसका पूरा मसाला जो हम बनाएंगे वो तैयार करेंगे। लेकिन पहले हल्का सा करेले को सौते कर लेते हैं। करेले को हमने नमक लगाया हुआ था और इसको नमक लगाने के बाद हमने अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो निचोड़ लिया है। ये काम इसलिए करना होता है कि इससे ये होता है कि इसकी जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि करेला जो है कड़वा होता है तो वो बनाते ही नहीं है, तो वो इसीलिए नहीं बनाते कि वो इस पर इस तरह अगर बनाएं जिस तरह मैं बनाती हूँ, इस पर नमक लगा दें और नमक लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो आपने निचोड़ के निकाल लेना है, पानी जो है फेंक देना है और करेलों को आपने यूज़ करना है खाने में। तो इस तरह से इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम करेलों को जो है फ्राई करेंगे। मैंने जो है करेलों को नमक लगा के आधा घंटा रखा था और इसको मैंने पानी निकाल के निचोड़ दिया है। मैंने ये काम पहले इसलिए कर लिया कि वीडियो जो है जाके ज़्यादा जो है लंबी ना हो जाए और ज़्यादा लंबी वीडियो को लोग जो है इतने शौक से देखते भी नहीं हैं, तो मैंने ये काम पहले कर लिया था। अच्छी तरह से इसको नमक लगा के हमने निचोड़ लिया था और अब मैं इसको फ्राई करूंगी। हल्का हल्का सा हमने इसको जो है सौते कर लेना है। फ्राई पैन में मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल ऐड किया हुआ है। इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है जी। इस तरह से हमने पहले एक तरफ से सेक लिए और फिर इसको दूसरी तरफ से हमने हल्का सा तल लेना है और उसके बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है जी। 2 मिनट हमने करेलों को तल के जो है निकाल लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने हल्का हल्का सा सौते कर लेना है दोनों तरफ से। और अब हम प्याज को और जो है सौते करेंगे जी। करेलों का जिस तेल में हमने करेले तले थे वो हमने तेल जो है निकाल दिया है और हमने दूसरा 1 टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल जो है ऐड डाला है। और ऐड करने के बाद हमने जो है इसमें प्याज भी ऐड कर दिया है और साथ में हमने जो कैरी काटी थी छोटी वाली उसका हमने आधी कैरी जो हमने काटी थी वो भी हमने इसमें डाल दी है। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को सौते करेंगे जी। अनियन को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में जो हरी मिर्चों का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट को सौते करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है ये तीनों चीज़ें हमने अच्छी तरह से सौते कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें मसाला जात भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे जी। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और 2 मिनट इसको चिकन को जो कीमा है हमारा उसको भून लिया था। अब हम इसको दम में
मिनट जो है पकने देंगे ताकि सही तरीके से जो है हमारी चिकन जो है हमारा जो कीमा है वो सही से पक जाए। जी 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारी सही से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे टमाटरों को भी और टमाटरों की भी सही से भुनाई करेंगे। इसको भी हम 5 से 10 मिनट थोड़ा सा ढक्कन दे देंगे क्योंकि टमाटर भी जो है वो अपना पानी छोड़ते हैं, तो हल्की आंच पर हम टमाटरों को भी सही से जो है तैयार कर लेंगे। जी टमाटरों को हमने सही से भून लिया है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, सालन हमारा जो है कीमे का वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इनको करेलों में भरे हुए करेले जो हैं बनाएंगे, कीमा भरे करेले। तो इसको ठंडा करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गरम गरम में अगर हम बनाएंगे तो जब हम उसको हल्का सा फ्राई करने लगेंगे तो वो जो अंदर का मसाला होता है वो निकल जाता है, तो इसलिए ठंडा करना बेहद ज़रूरी है। तो हम इसको ठंडा होने देते हैं। जी ठंडा हो चुका है, अब हम कीमा भरे करेले जो हैं किस तरह बनाएंगे। ये जो हमने तल लिए थे करेले, इसमें हम ये कीमा जो है भर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सारे हमने इसी तरह से भर लेने हैं। तो सबसे पहला भरते हैं। जी कीमा हमने जो है करेलों में भर लिया है, अब हम इसको धागे की मदद से जो है बांध लेंगे और जो हमारे पास मसाला बच गया है कीमे का वो हम दोबारा जो है रात में इस्तेमाल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद हम इसको धागे की मदद से इस पर जो है एक फोल्ड सा कर देंगे ताकि हमारा कीमा जो है अंदर से निकलने ना पाए। तो स्टार्ट करते हैं, तीनों को हमने इसी तरह से कर देना है। जी ये देखें इस तरह से, जैसे मैंने ये धागे की मदद से आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हमने फोल्ड कर दिया है ताकि हमारा कीमा जो है वो बाहर ना आ सके। इसी तरह से हमने दो बाकी जो दो रह गए हैं उनको भी कर देंगे। जी तमाम को हमने जो है फोल्ड कर लिया है धागे की मदद से और इस पर मैंने कलर वाला थोड़ा सा कर दिया है, रेड वाला धागा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने फोल्ड करना है। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ऑयल डाला है हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून फ्राई पैन में, और हम इसमें इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आंच को हमने हल्का कर दिया है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम तीनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, पहले एक तरफ से कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ से कर लेंगे। जी एक तरफ से हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इनको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जी 2 से 3 मिनट में हमने फ्राई कर लिया है, अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और हम इसको निकाल लेंगे। जी कीमा भरे करेले हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको चटनी के साथ लें, साथ में रोटी ले लें, ब्रेड ले लें या कुलचा वगैरह ले लें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी होते हैं, एकदम औसम बनते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे ये तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आपकी रेसिपी अच्छी बने तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में BLI चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।